चलिए आज बनाते एकदम ही नया और एकदम ही अलग कसम का नाश्ता, जो कि बनाने में एकदम सिंपल है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 आलू। ये जो आलू है ये कच्चे ही है, इनको मैंने उबाला नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है कि ये जो आलू है इसको आप ग्रेटर की सहायता से इस तरह से ग्रेट कर लीजिए। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो आलू है ये ग्रेट हो चुके हैं। तब हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप मेथी। मेथी को पहले आप पानी में एक बार अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आपको इस मेथी को इस तरह से रफली चॉप कर लेना है। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसको हम रवा भी कहते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, 1/2 कप कर्ड यानी कि दही। फिर ये मैंने 1/2 कप मटर का इस्तेमाल किया हुआ है, ये उबले हुए मटर नहीं है, ये कच्चे मटर ही है और इनको मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया था। अब आपको इसमें ऐड करनी है 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरे मिर्च की पेस्ट। इस नाश्ते के अंदर हम बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर अदरक और हरे मिर्च की पेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा ताकि नाश्ता खाने में एकदम ही टेस्टी बन सके। अब बस इन सारी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स करना है। मैं इस मिश्रण को एक बड़े से बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ताकि मुझे इसको मिक्स करने में काफ़ी आसानी हो। चलिए, इनको मैंने मिक्स कर लिया है। तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच जितना नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच जितनी चीनी। चीनी का इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। फिर इसमें एक तीखापन लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करना भी ऑप्शनल है। अगर आप ये नाश्ता अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर चिली फ्लेक्स का एकदम ही कम इस्तेमाल करें, या फिर आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। ये मैंने घर का बनाया हुआ गरम मसाला यूज़ किया हुआ है, और अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं उसके वीडियो के लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। और अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया। और बस फ्रेंड, सारी चीज़ों को हम वापस एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। पता है इस नाश्ते की बेस्ट बात क्या है कि इसको बनाने के लिए जो भी सामग्री लगेगी ये ऑलमोस्ट सभी के घर में होती ही है, तो ये नाश्ता बनाने में भी सिंपल है और खाने में एकदम ही टेस्टी बनता है। अब इसके अंदर हमें पानी ऐड करना है और इसका हम एक बैटर बनाकर रेडी करेंगे। ये बैटर बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे हम पकौड़ा बनाने के लिए बैटर बनाते हैं। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ठीक इस प्रकार से होनी चाहिए। अब इसको ढक कर आप इसे साइड पर तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए ताकि जो सूजी है वो पानी पीकर अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये रेस्ट करता है तब तक हम इसके लिए बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनाकर रेडी करेंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 2 बड़ी चम्मच जितने पीनट्स यानी कि सिंगदाने। आप चाहो तो इन सिंगदानों को सेक कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच जितना अदरक यानी कि जिंजर, 7 से 8 गार्लिक क्लव्स यानी कि लहसुन की कलियाँ। फिर इसमें एक तीखापन लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 4 से 5 बड़ी हरे मिर्च। आपको इस चटनी को कितना तीखा बनाना है उस अनुसार आप हरे मिर्च की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, और 1/4 छोटी चम्मच नमक। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितनी चीनी। अब बस हमें इसको एक बार पहले ग्राइंड करना है। अब ये मैंने लिया है 2 कप जितना धनिया, और इसको मैंने पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था। और इस चटनी को बनाने के लिए हमें ये जो धनिया का डंठल यानी कि इसका जो स्टेम है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस धनिया को भी हम मिक्सर में ट्रांसफ़र करेंगे। और अब हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटे नींबू का जूस, और फिर इसी में मैं थोड़ा सा आइस क्यूब्स भी ऐड कर रहा हूँ ताकि ये जो चटनी का रंग है वो ज़रा भी चेंज ना हो। और बस फिर हम इसको एक बार अच्छे से ब्लेंड करके इसकी चटनी बनाकर रेडी करेंगे। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो धनिया की चटनी है ये बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका। चलिए, हमारे इस बैटर को रेस्ट के तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है। तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितना इनो। इनो की जगह पर आप चाहो तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब बस इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देरी नहीं करनी है, वरना जो इनो का असर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। चलिए, ये बैटर रेडी हो चुका है। और अब साइड पर यहाँ पर मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया था, और जब तेल मीडियम गर्म हो जाए तब हमें एक एक करके इन पकौड़ों को फ्राई करना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में आपको रखनी है कि तेल का जो तापमान है वो मीडियम गर्म ही होना चाहिए। अगर तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो ये पकौड़े फटाफट से कलर पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर तेल ठंडा होगा तो ये पकौड़े काफ़ी ऑयली बनेंगे। तो इसलिए जब तेल मीडियम गर्म हो तभी आप इनको फ्राई करें। आपके कढ़ाई में एक साथ जितने पकौड़े आ सकते हैं उतने पकौड़ों को आप एक साथ फ्राई कर सकते हो। और इनको आपको मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और एकदम ही क्रिस्पी नहीं हो जाते। और इनको अच्छे से फ्राई होने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगती है।
बीच बीच में अपन को पलटते भी रहेगा ताकि हर तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो पकौड़ा है ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, काफ़ी बढ़िया सा कलर भी आ चुका है इसके ऊपर, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, ये हमारे एकदम ही टेस्टी और ज़बरदस्त आलू मेथी के पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बनाने में एकदम सिंपल है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो एक बार आप भी इस तरीके से ये आलू मेथी पकौड़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको और कौन से नाश्ते की रेसिपीज़ देखनी है ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा।